नमस्कार, आप देख रहे हैं आजकल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानस। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बड़ी कामयाबी मिली है। लश्कर ए तैयबा के डिप्टी चीफ और जमात उद दावा के सरगना अब्दुल रहमान मक्की को यूएन ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। बीते कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन ने किसी पाकिस्तानी आतंकी को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर वीटो नहीं किया। 68 साल का हाफिज अब्दुल रहमान मक्की आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के मुखिया और मुंबई के 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का रिश्तेदार भी है। हाफिज सईद इस वक्त जेल में है, लिहाजा हाफिज सईद की गैर मौजूदगी में अब्दुल रहमान मक्की ही लश्कर ए तैयबा का कामकाज देखता है। वह इस आतंकवादी संगठन में उप प्रमुख भी है। लश्कर के लिए फंड जुटाने की जिम्मेदारी मक्की पर है। मक्की भी अपने नाम के आगे हाफिज पदवी का इस्तेमाल करता है। इस्लाम में हाफिज उसे कहते हैं जिसे कुरान पूरी तरह से जुबानी याद हो। भारत में हुए कई आतंकी हमलों में अब्दुल रहमान मक्की का हाथ रहा है। मसलन 22 दिसंबर 2000 को लश्कर ए तैयबा द्वारा लाल किले पर हमला हुआ। 1 जनवरी 2008 को फिर से लश्कर का सीआरपीएफ के काफिले पर हमला होता है जिसमें 7 सीआरपीएफ जवान और एक रिक्शा चालक की जान चली जाती है। फरवरी 2018 में श्रीनगर के करण नगर में सीआरपीएफ कैंप में लश्कर का आत्मघाती हमला जिसमें एक जवान शहीद हो जाते हैं। 30 मई 2018 को बारामूला में लश्कर के आतंकियों ने 3 नागरिकों की हत्या की और 14 जून 2018 को राइजिंग कश्मीर के एडिटर सुजात बुखारी और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूएनएससी के इस कदम पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए खुशी जाहिर की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ISIL और अलकायदा प्रतिबंध समिति द्वारा लश्कर आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के फैसले का स्वागत करते हैं। तो आज की हमारी खबर में इतना ही। ऐसी अन्य खबरें देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखते रहे आजकल न्यूज़। धन्यवाद।